यूपी के आगरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा छावनी विधानसभा क्षेत्र के देवरी रोड और भीम वाटिका के निकटवर्ती इलाके कुछ समय बाद जल भराव से राहत मिल जाएगी। रविवार को प्रदेश के राज्य मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर जी एस धर्मेश और मेयर नवीन जैन ने यहां नाला निर्माण का शुभारम्भ किया। यहाँ नाला सड़क के दोनों तरफ बनेगा और देवरी रोड स्थित भीम वाटिका से शुरू होकर सैलरी का ताल पंचगई खेड़ा देवरी रोड होकर रोहता की नहर में मिलेगा। कई साल से जल भराव से जूझ रहे इन इलाकों की जनता को नाला निर्माण पूरा होने के बाद खास राहत मिलेगी। डॉक्टर धर्मेश ने बताया कि देवरी रोड पर भयंकर जल भराव की समस्या रहती है। हल्की सी बारिश में यहाँ 3-4 फीट पानी भर जाता है, जिससे गलियों से लेकर घर पानी में डूबते हैं। नाला निर्माण होने से जनता को जल भराव से स्थायी राहत मिल जाएगी। इस नाले का निर्माण जल निगम द्वारा कराया जा रहा है। इसके लिए नगर निगम ढूणा तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। प्राइम 18 न्यूज आगरा से रोहित सोनकर की रिपोर्ट। और आज 3 वर्ष के बाद में मैं अपने आगरा नगर निगम के महापौर माननीय नवीन जैन जी को मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा, उनको साधुवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने इस 18 करोड़ की लागत से बनने वाले नाले के लिए उन्होंने एक किस्त जल निगम को दे दी है और 7 करोड़ की। और उसके बाद मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि जब पैसा है कभी चीज़ कोई बनती है, तो आज उनके सहयोग से यहाँ पर ये नाले का यहाँ पर आज शिलान्यास होने जा रहा है। और जो जलभराव की समस्या थी, जनता विगत दिनों से यहाँ पर जलभराव झेल रही थी, परेशानी थी, उसका स्थायी समाधान यहाँ पर यह होगा जाए। और देवी रोड के दूसरी तरफ भी दोनों तरफ यह नाला बनेगा और जब नाला बनकर के तैयार हो जाएगा वो तो सीमेंट कंक्रीट की रोड मधुनगर चौराहे से लेकर सैमरी ताल तक ये पूरी सीमेंट कंक्रीट की रोड ही बनेगी। और इस नाला बनने से जल भराव की समस्या का तो समाधान होगा ही, इस क्षेत्र का विकास भी होगा जाए। और मैं इस के लिए मेयर साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँ, आए और आज इस शिलान्यास के कार्यक्रम में उन्होंने सहभागिता की, बहुत बहुत धन्यवाद। छावनी विधानसभा के देवरी रोड क्षेत्र है, जहाँ पर अनेकों वर्षों से जल भराव की समस्या थी। दो तीन चार फुट जुलाई से लेकर और सितंबर तक का जो महीना बारिश का रहता है उसमें यहाँ के 1 लाख लोग जल भराव से पीड़ित थे। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक धर्मेश जी और पिछले वर्ष भी हम आए थे, धर्मेश जी और हम, तो इस पानी की जल भराव की समस्या को देखा था। 3-3 फुट पानी में हम धर्मेश जी निकल के गए थे, तो लगा कि ये तो बहुत भयंकर समस्या है। 1 लाख लोग जिससे समस्या से प्रभावित हों, उसके लिए हमने समाधान करने का एक प्रयास किया। और मैं बधाई दूंगा अपने देवरी रोड क्षेत्र के नागरिकों को कि उनके क्षेत्र की जो बड़ी समस्या थी उसका समाधान करने की शुरुआत आज शिलान्यास के रूप में हो चुकी है। नाला बन रहा है, 4 किलोमीटर लंबा ये नाला है, जिसमें 18 करोड़ रुपए की लागत से ये नाले का निर्माण कार्य पूरा होगा। और मुझे लगता है और 31 जून 2021 तक ये नाला पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। और इस नाला के बनने से 1 लाख लोगों को लाभ होने वाला है। मैं बधाई दूंगा इस क्षेत्र के नागरिकों को और डॉक्टर जी एस धर्मेश जी को कि उनके क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम छावनी विधानसभा में ये होने जा रहा है। बहुत लंबे समय की जो एक समस्या थी और उस समस्या का समाधान में इस अवसर पर प्रमोद चौहान जो हमारे संघ के वरिष्ठ अधिकारी भी हैं उनके निवास पर हम और डॉक्टर जी एस धर्मेश जी बैठ के चर्चा भी की थी इस नाले के समस्या को लेकर, और उनका भी इसमें सहयोग रहा, उनका भी नाम लेना मैं नहीं भूलूंगा। उन सभी लोगों को अपने क्षेत्र के जितने भी हमारे पार्षद हैं उन सबका ये सहयोग थे।
ये नाले का निर्माण आज पूरा शुरुआत हो रही है और एक वर्ष के अंदर ये नाला पूरा हो जाएगा। एक वर्ष के बाद जो जल भराव समस्या है